अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद, एक के बाद एक चोरी को दिया जा रहा है लगातार अंजाम। खबर बैराड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैराड़ तहसील और पशु चिकित्सालय के बीचों बीच मोबाइल की दुकान को शटर द्वारा काट कर मोबाइल और मोबाइल का सामान लेकर अज्ञात चोर हुए फरार। अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद, एक के बाद एक चोरी को दिया जा रहा है अंजाम। चोरों पर अंकुश पवन धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की रात को अज्ञात चोरों द्वारा मेरी दुकान को शटर से काटकर दुकान से सामान उड़ा ले गए। चोर, जिसमें वीवो का मोबाइल, 3 ब्लूटूथ, 1 बच्चा मोबाइल और सामान के साथ 500 नकदी, कुल कीमत लगभग 17,000 बताया गया है। बैराड़ थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों की घटनाओं को चोर अंजाम दे रहे हैं, फिर भी पुलिस विभाग द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं लगाया जा रहा है। आखिर ये चोरियों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? दुकानों में चोरी हुई है, कब की घटना है? सर कल की घटना है, आज रात में चोरी हुई है। आज रात में चोरी हुई है, तो आपने इसकी, आपको इसकी सूचना कैसे प्राप्त? सर आज मेरे को सूचना लोगों ने बताया कि मैं मतलब दूसरे गांव में था, तो दूसरे ने बताया कि तेरी दुकान कट गई। तो इसमें क्या कुछ चोरी हुआ है? इसमें एक वीवो का मोबाइल गया है, लगभग उसे 12-13 हज़ार की कीमत का है, और इसमें एक केसोड़ा का छोटा मोबाइल भी गया है, और नकदी 400-500 रुपये भी गए हैं, और 3 ब्लूटूथ भी गए हैं, और 2 फोल्डर गए हैं, वीवो 21 और 22 का। लगभग कितनी कीमत होगी सबकी? लगभग 5,000 रुपये के आसपास कीमत, और मोबाइल की कीमत अलग है, 12,000 रुपये। पूरा कितना होगा? 17,000 रुपये के आसपास। रिपोर्ट लिखकर ले गए, बोल रहे हैं जाँच करना, देखते देखने की।